हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम है एक प्रोजेक्टर के साथ में। ये प्रोजेक्टर ऑर्डर किया था हमने 5 दिन पहले और ये प्रोजेक्टर हमारे पास आ गया है। प्रोजेक्टर जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए मंगाया था और अभी ज़्यादा पता नहीं है। प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग हम करने जा रहे हैं और इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा डिटेल में दिखो। ओके, तो ये जेबदोनिक का है, इसके बारे में फुल रिव्यू होगा चलाने के बाद में। अभी फ़िलहाल ये छोटा सा बॉक्स है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। और ये एज यूजुअल जैसे कि हम ओपन कर रहे हैं इसको, यहाँ से ओपन हो रहा है और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फिलहाल मुझे ये ओपन करना भी कम ही आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ऐसा क्या नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मंगाया है जस्ट आप लोगों के लिए रिव्यू के लिए। इसका यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे। ये छोटे मोटे आइटम है, ये तो साफ़ सफाई के कान साफ करने वाले लग रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं है कहाँ काम आते हैं। बाकी इसके बारे में पढ़ के मैं आपको इस बारे में बताऊँ। ये एक छोटा सा रिमोट आया है, इसका रिमोट का यूज कहाँ होता है बताइए। और ये इसकी केबल्स है, ये इसकी कनेक्टिविटी केबल, लाइट केबल है। और ये कुछ वायर है जो टीवी वगैरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्टर कंप्यूटर वगैरह से। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसका नाम जेबदोनिक, मॉडल नंबर मुझे फुल रिव्यू में बताइए। और ये है एक ना स्मार्ट प्रोजेक्टर है, इसका बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये है पिक्सल 15 नाम है इसका। और इसमें कुछ ये जूम वूम के रखे हैं और ये इसका जो मेन ओपन जहाँ से स्क्रीन दिखती है वो है, इसको अभी साइड में रखते हैं। और इसके बारे में हम इसको चालू करके देखेंगे आने वाले टाइम में, उसको उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये पड़ा, इसका ऑनलाइन जो प्राइस दिख रहा है वो 18,999 का दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ क्रेडिट कार्ड और डिस्काउंट वगैरह देख के ये हमें 15,000 रुपये में पड़ा। और 557-560 सेंटीमीटर की स्क्रीन है इसके साथ। ये इसकी पावर केबल है, रिमोट है, ये साइड लैपटॉप से कनेक्टिविटी काम आती है या पीसी से कनेक्ट करना है तो ये काम आती है। ये अभी इसका भी अपन यूज़ करके देखेंगे, तो फिलहाल साइड में रखते हैं। ये अनयूज है, कोई काम नहीं आती है। पहले के पुराने के ज़माने की कंप्यूटर टेबल कनेक्टिविटी काम आती थी। और ये हमारा लाइट ऑन कर दिया, जिसमें लाइट नहीं आ रही है। लाइट चल, बटन चालू कर, थोड़ा बहुत पुराना है, लाइट थोड़ा अंदर जल रही है लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। फिलहाल बीच में लगा के देख लेते हैं इसको, जयपुर में स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका कुछ है जो बाई स्टैंड है जो मुझे नहीं मिला, देखते हैं कनेक्ट कर देखते हैं। थोड़ा नया नया तो ट्राई करो, इसका बैग नहीं है कि नहीं। ओके, डन ठीक। नीचे मैंने पहले ये सोचा कि ये इसका स्टैंड होता है लेकिन मेरे कन्फ्यूजन था, और बाद में पता लगा कि ये इसका स्टैंड है जिसको अपन यूज़ करते हैं, तो इसको ऊपर थोड़ा सा खड़ा दीवार की साइड में रख सकते हैं। ये कितना खुलेगा पता नहीं, कितना बड़ा होता है। ओके, शायद ये लास्ट ओके खुल गया, वापस लगाते हैं थोड़ा सा, अभी लगा के देखते हैं जी, इसको चालू करते हैं। ये अपने ऑन कर दिया है, इसमें साइड में इसके बटन है जिसको हमारे से स्क्रीन क्लियरिटी अच्छी होती है। इसको
आवाज़ अभी आवाज़ नहीं आई है। Good afternoon, and I'm here to announce the arrest of 37-year-old Rodolfo Montoya in connection with the threat of violence to the airport Marriott. A concerned hotel employee notified our department about a threat made by Montoya on Monday. The department immediately began the investigation in an effort to locate the suspect. The following day, he was located in the city of Huntington Beach. And although he had immediate access to firearms and ammunition, he was safely taken into custody. Suspect Montoya had clear plans, intent, and the means to carry out an act.